अस्सलाम वालेकुम। 11 बजे हैं सुबह की, हमारी लाइट ऑफ थी किसी काम की वजह से। बाजी बाहर करने आई हैं तो देखे बारिश शुरू हो गई है, काफ़ी तेज़ शुरू हुई है एकदम से। मैंने अभी भी चाय रखी अपनी, मुझे सर में दर्द शुरू की चाय लेट होने की वजह से। मानसून की बारिशें ऐसी हैं, कल से फिस साइड पे हुई है, सिटी साइड पे हुई नहीं है बिल्कुल भी। चलो मैं अब चाय देखूँ, साथ मैंने चने बॉइल करने रखे हैं। पहले हल्की थी लेकिन अब बहुत तूफानी बारिश हुई है, बल्कि ये भी अब फ्लो कम हो गया। वो देखें पानी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इतने फ्लो से बारिश थी। इवन मैं ऊपर वो करवाने गई हुई थी सफाई, तो मैं मोबाइल लेके जाना भूल गई थी। वो देखें बाजी जा रही है, मैंने मना भी किया उनको कि आप लोग बैठ जाएँ भी, रुक जाएँ। कहते नहीं बाजी हम जाते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मज़े की। तो जी मैं अभी बस जा रही हूँ अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने, और इसके बाद जुम्मा मुबारक आप सबको बहुत बहुत, और इसके बाद मैं किचन के जो काम है ना वो करूँगी। आज मैं बना रही हूँ चिकन चरसी हांडी जी। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन नाम बड़ा मज़े का, चिकन चरसी हांडी। ये रात को मैं मार्केट से कुछ चीज़ें लेकर आई थी, इमली नहीं थी मिली। जब मुझे कोई चीज़ याद रहती है तो मार्केट से नहीं मिलती। ये कैंडी बिस्किट के 2 पैकेट, अब मैं देखूँ कितना यूज़ होगा। ये 2 मैंगो को मैंने क्यूब्स में काट लिया। ये 2 क्रीम के पैकेट्स हैं, इसमें मैंने अभी तक कुछ मिक्स नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा ये मैंगो का। और ये 3 मैंगो का मैंने दूध डाल के इसको मैश कर लिया है। अभी मैं देखूँगी अगर थिकनेस इसकी ज़्यादा हो गई तो मैं सिर्फ दूध ऐड करूँगी, और दूध और भी ले सकती हूँ, अभी फ्रिज में पड़ा हुआ काफ़ी। तो इसमें मैं शुगर नहीं ऐड कर रही क्योंकि मैंगोज भी बहुत मीठे हैं आजकल, और ये जो टेट्रा पैक क्रीम्स है ना ये ऑलरेडी बहुत मीठी होती हैं। सो मुझे और कैंडी बिस्किट आपको पता है वो भी बहुत स्वीटनेस होती है, तो बहुत ज़्यादा स्वीटनेस भी अच्छी नहीं लगती। कई लोग इसमें कंडेंस मिल्क भी यूज़ करते हैं लेकिन मुझे वो बहुत मीठा लगता है। सो मैंने इसमें कभी भी शुगर ऐड नहीं की। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते तो आप कर सकते हैं। तो ये मैं भेज रही हूँ अपनी फ्रेंड सबा की तरफ, उसकी तरफ से मुझे उस दिन चिकन और चने आए थे बहुत मज़े के, और मुझे स्पेशली उसका बाउल बड़ा अच्छा लगा था, ये देखें। तो चलें अब इसमें मैं ये मैश किया हुआ ना इस सारा जो है मैंगो ये ऐड करने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें क्यूब्स ऐड करूँगी, कुछ क्यूब्स के चंक्स उनसे है ना मैं ऊपर डेकोरेशन के लिए ना वो रख दूँगी, और कैंडी बिस्किट को भी मैं ऊपर ही डेकोरेट करूँगी और थोड़ा सा मिडल में। अब मैं करके आपको बताती हूँ। ये सारा मैंने मैंगो डाल दिया, इसको मैं साथ ही पानी से ना अभी सिर्फ ऐसे करूँगी कि ये सारा इसका अंदर से साफ़ हो जाए, फिर बाद में इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। बल्कि ये जो बीच में है ना मैं दूध ऐड करने लगी हूँ, और दूध ऐड करके तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, तो मैं तो वैसे भी शेक हूँ। सो ये मैं ऐड करने लगी हूँ, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते, चाहे थोड़ा सा भी हो रिस कभी भी ज़ाया नहीं करते। तो इसको मैं साथ ही ना पानी से कर दूँगी क्योंकि फिर वो साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। सीधा में मैंने ये सब बनाया ही नहीं है, बल्कि ये तो मेरी बहुत पसंद आती है सबको, और ये निदा की रेसिपी है, मैं उसकी मैंगो डिलाइट की, वो ऐसे बनाती है तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। फिर मैं भी उसकी जब बनाती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स को ना हम लोगों ने हाईटी की तो तब उसको बड़ी अच्छी लगी थी। वैसे भी वो मुझे वो कहती तुम्हारी स्वीट डिशेज़ बहुत अच्छी होती हैं, बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट उनको लगती हैं, तो वो तो फरमाइश कर करके मुझे कहती हैं। तो इस दफ़ा भी उसने सबा ने भी मुझे फरमाइश की हुई थी, अब रुमाना को बना कर भेजूँगी। सो ऐसे ही है, मैं फ्रेंड्स को भी आप बताए वो भी भेजते हैं तो मुझे भी होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बनाऊँ। तो अब मैं इसमें सिर्फ कैंडी बिस्कुट ऐड करने लगी हूँ। वो पैकेट जो उनसे है ना रोल पैक जो उनसे मैंने वो ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो बिल्कुल मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा चंक्स में भी करती हूँ, जैसे लाइक ये अच्छे लगते हैं क्योंकि बिल्कुल ये टेंडर हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अब ये थिक नहीं है इतना, सो मैं इसमें दूध ऐड नहीं करूँगी, लेकिन सम टाइम ये जब आप फ्रिज में रखते हैं ना तो काफ़ी थिक हो जाती है, तो मेरे हमें मुझे थोड़ा सा ऐड करना चाहिए। अब इसमें और कुछ नहीं करना फर्दर, सिर्फ इस बाउल में मैं डालूँगी और ऊपर मैंगो चंक्स ऐड करूँगी डेकोरेशन में, और एक
पैकेट ऊपर जोन सा ना मैं इसका ऐड कर दूंगी, जितना इसमें आएगा बाकी फिर मैं घर के लिए रख लूंगी। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई है ऑनेस्टली अंदर बिल्कुल पता नहीं चल रहा, मेरा ऐसा पसीने से बुरा हाल है। और बर्तन थोड़े से हैं फ्रूट्स के जोन सा गंद होता ना, मैं मिला था शॉपर में रखती हूँ। चिकन भी मैंने निकाल के रख दिया हुआ है। तो ये कुछ बच्चों के लिए स्नैक्स मैंने मंगवाए थे, क्या करें जो मर्जी करें बच्चे इसके बगैर रहते नहीं हैं। मैं बहुत ज़्यादा भी मंगवा के नहीं रखती, बरसात है ना तो मैं काफ़ी कम चीज़ें मंगवा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी जो ख़राब ना हो, क्योंकि मेरी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा दालें वगैरह, अब पिछले दिनों भी चनों का पूरा पैकेट मैंने बॉयल करने के लिए उसको भिगोया तो उसमें कीड़े निकलना शुरू हो गए, तो फिर मैंने ना सारे वो फेंक दिया। सो मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मंगवा रही हूँ, मैं थोड़ा सा दूध ऐड करने लगी हूँ। बाजी को मैंने काफ़ी दफ़ा मना किया कि जब काम करती हैं ना तो डोर ओपन ना रखा करें, क्योंकि एक सेकंड तो लगता है मक्खी इतनी आ जाती हैं ना, और बरसात में आपको पता वैसे ही बड़ी चिपकू टाइप की होती हैं। तो अब दो इधर घूमी किचन में, मुझे उलझन हो रही है, आज तो ऐसे लग ही नहीं रहा घर की सफाई हुई है, क्योंकि इतनी बारिश शुरू हो गई थी तो किचन की साइड पर भी थोड़ा पानी आ गया था और बाहर तो बिल्कुल हो ही नहीं पाई। अब बाजी ने सिर्फ पानी फेंका और वाइपर लगा ही नहीं है, तो जब वो गई हैं बहुत तो पानी बारिश हो रही थी, जब उनके जाने के 10 मिनट बाद ही बारिश भी रुक गई थी। ये लोग वेट भी नहीं करते, मैंने कहा आप इतना भीगती भी जाएंगी नहीं, नहीं बाजी कुछ नहीं होता, हाँ जब आना हो तब बारिश में इनको आने में प्रॉब्लम होती है, जाने में नहीं, मैंने तो कह भी दिया था बाजी आपको आने में बड़ी होती है। सो ये रेडी, और इसको मैं बस थोड़ा सा ना जब ये चिल होगी ना इसका मज़ा ही आता है कि इसको अच्छी तरह चिल करके ना, अब कहीं कह रहे इतना पसीना आ रहा है ना कि मुझे लगता नहीं कि सुबह इतनी बारिश हुई थी। तो अब इसको मैं पैक करके फ्रिज में रखूँगी, थोड़ी देर बाद फिर उसके हस्बैंड आएंगे तो ले जाएंगे। सो रेडी, और ये मुझे घर की मैंने रखती है, अब इसको छोटे बाउल में मैं डाल दूँगी, काफ़ी बड़ा बाउल है। मैं इसके बाद जो देखती हूँ थोड़े बर्तन है वो वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद शाहर की नमाज़ पढ़ के फिर खाने का करूँगी, क्योंकि सुबह मुझे चिकन निकालना याद नहीं था, आज लाइट नहीं थी, कुछ काम कर रहे थे तो बिल्कुल जहन भी नहीं रहा चिकन खाना। अस्सलामुअलैकुम, अभी 3:30 का टाइम है और मैं बना रही हूँ भरवा बैंगन मसाले वाले हैदराबादी जो होते हैं, ये मैंने एक दफ़ा ही खाए थे कराची और बहुत मज़े के थे, स्टिल मुझे इतने साल पहले 98 की बात है और मुझे अभी तक उसका टेस्ट नहीं याद है। सो हेयर फॉलिंग बहुत हो रही है, तो बाल मेरे हाथ पे चिपका हुआ था, मुझे उलझन होती है कुकिंग करते हुए, लेकिन क्या किया जाए अब वेदर भी जो सा ना ऐसा ही है। सो मैंने इसमें ना प्याज को अच्छी तरह मैश कर लिया था, लेकिन फिर भी ये देखें ये उसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि आजकल प्याज भी ऐसा ही है ना, प्याज को अच्छी तरह मैश किया, लहसुन अदरक का 1 टेबल 1.5 टेबल स्पून अच्छी तरह मैश किया, उसमें फिर मैंने डाला है दही 4 टेबल स्पून, हल्दी नमक नहीं डाला और रेड चिली, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के, और सूखा धनिया 1 टेबल टीस्पून सॉरी, और फिर ऑयल गरम किया उसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला, इसमें एक्चुअली मैं यूज़ करते हैं वाइट ज़ीरा, लेकिन मैं वाइट ज़ीरा यूज़ नहीं करती सो मेरे पास नहीं था, मैंने ब्लैक ही डाला है। अब इसको अच्छी तरह भूनना है, इस मसाले में कच्चापन नहीं होना चाहिए, अगर कच्चापन रहेगा तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और ये है 1/2 kg बैंगन है, बैंगन थोड़ा बड़े साइज़ का है, इसमें से छोटा साइज़ लेकिन हस्बैंड जो उनसे ना यही साइज़ ले आए थे, इसको मैंने ऐसे कट कर लिया और अच्छी तरह चेक किया क्योंकि इसमें अक्सर ही कीड़ा होता है। अच्छा तो काफ़ी कल भी मिली मुझे स्टोर से नहीं मिली, ऑनलाइन मंगवाई हैं चीज़ें तो वो भी आधी सी चीज़ें आई आधी नहीं आई, भी आफ्टर जुम्मा आएंगी, अब जुम्मे को भी काफ़ी टाइम हो गया लेकिन नहीं थी आई, तो क्या कर रहे हैं भैया, अब अगर चीज़ भी तो खाना तो बनाना ही है ना। मैंने इसमें लहसुन अदरक 1 टीस्पून, हरी मिर्चें, हरी धनिया क्रश, और फिर मैंने इसमें क्या इसका जुगाड़ किया है, तो मैंने 4 जो उनसे ना लेमन उसकी इसके डाल दिए हैं, हल्दी नमक सुरख मिर्च जीरा और उसके साथ ही सूखा धनिया भी 1/2 टीस्पून के अपने अकॉर्डिंग। फिर मुझे याद आया कि फ्रिज में ये वाली इमली पड़ी हुई थी लाइक जैसे वो शॉप से मिलती है ना खाने वाली, तो मैंने इसको अभी थोड़ी देर भिगोया है और फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं इसका ना लिक्विड इसमें ऐड करके इसकी फिलिंग कर दूंगी, उतनी देर में मसाला भून जाएगा। और दूसरी मैं हांडी बना रही हूँ जर्सी चिकन, जी हाँ आज मैं बड़ी डिफरेंट बना रही हूँ चीज़ें, जर्सी चिकन बहुत सिंपल है, ये चने भी मेरे बॉयल्ड हो गए, मैं अब इनको मैं सारे पैकेट्स में डाल कर रखूँगी। फ़िलहाल मैं अभी बहुत काम है,
साथ साथ अब मैं ये जब तक ये होता है और इमली होती है, मैं अब चिकन की रेडी करती हूँ। उसके लिए भी मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। पहले मैं चिकन को फ्राई करूँगी, चिकन डिफ्रॉस्ट नहीं था वो हुआ इसलिए वो बन नहीं सकी थी। चिकन फ्राई करके उसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह भून के साथ ही मैं नमक काली मिर्च डालूँगी। हरी मिर्चें ज़्यादा सी डालनी है, 8-10 कम अज़ कम एक के जी चिकन में। अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाते हो तो आप ज़्यादा डाल लें। तो उसके ऊपर टमाटर को हाफ़ कट करके रख के उसको दम पे रख लेना। दम पे रख के फिर टमाटर का छिलका उतार देना और अच्छी तरह मैश होकर टमाटर बस बन गई आपकी जर्सी चिकन। कोई चर्सी चूस नहीं डालनी, बस नाम इसका जर्सी चिकन है। ये KPK में बहुत फेमस है और ये यूट्यूब से मैंने भी देखी है। और यूट्यूब की रेसिपी देखने से पहले या तो आप नोट डाउन कर लें, जो मैं नहीं करती, मुझे याद रहती है, मोस्टली नहीं भी याद रहती। जैसे मुझे ये याद नहीं थी इसमें क्या इन्ग्रीडियंट्स थे दोनों के, तो आज मेरा जो ना वाईफाई भी था चल रहा, तो मुझे बहुत कोफ्त हुई आज इसको बस देखने के चक्करों में। समटाइम होता है, मैं वैसे अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसा नहीं बनाती, थोड़ा चेंज भी करती हूँ कि हर एक स्पाइस का टेस्ट का डिफरेंट होता है और मैं मेरे घर में स्पाइस कम यूज़ होते हैं, सो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाती हूँ। लाइक मैं गर्म मसाला हो स्पाइसेस तो मैं लेके भी नहीं आ रही क्योंकि जब यूज़ ही नहीं होने, फिर ला के उसमें अक्सर कीड़ा लग जाता था, तो मैंने अपनी मेड को दे दी है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है बेतहाशा, फिर बारिश हल्की की शुरू हो गई थी, तो स्वीट डिश तो फ्रेंड की तरफ चली गई है। बस अभी आहिस्ता आहिस्ता मसाला होता तो मैं चिकन की तैयारी कर ली। इतनी देर बोल बोल के मुझे याद नहीं था कि मैंने वो मुझे उनसी है ना वीडियो बननी नहीं रही, तो मैं बता रही थी मैं देखती हूँ वीडियो बनी कि नहीं। इसमें मैंने नमक डाला है, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के साथ ही मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और 3 बिग साइज़ के टमाटर लेके मैंने इसको रख दिया है ऐसे। बस अभी फिलहाल मैंने कुछ नहीं डाला, 8-10 चिलीज डालूंगी और 1-1.5 टीस्पून उसमें ब्लैक पेपर। और जी चिली जब आप काटते हैं तो अपने हाथ धो लें क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फिर अगर गलती से आपको फेस पे लग जाए या हाथों भी बहुत ज़्यादा ना उलझन शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है सॉरी। और मैं तो बहुत हाथ जो उनसे ना साफ़ करती हूँ, बार बार वॉश करती हूँ क्योंकि मुझे एक वहम है और आधे ज़्यादा काम जो उनसे मेरी मेड करती, बाजी आपका ना हाथ धोने में ना जो उनका काम हाथ होती है ना आपका काम ख़त्म हो सकते हैं, वो तो एक अलग बात है। अभी इसमें ऑयल नहीं आया, सो मसाला नहीं भुना जा रहा, नमक दोनों में था सिर्फ मैंने नमक डाला और ये भी बड़ा अच्छा मसाला हो गया। मैंने इमली का डाल दिया, थोड़ा सा नमक भी ऐड किया। मैं हमता है ना मसाले ज़्यादा नहीं खाते, तो मैंने बड़ा हाथ खुला रख के मसाले ऐड किए हैं और इसकी 4 साइड से फिलिंग करनी है। ऐसे करूँगी मैं, ऐसे फिर इसको ऐसे फिलिंग करके रख दूँगी, फिर जब ये मसाला हो जाएगा तो इसमें मैं उसे रख के 10-15 मिनट के लिए इसको स्टीम करूँगी। और मैंने ना एक्चुअली में आज शाम पक नहीं पड़ा, सुबह सूरज जुम्मा भी नहीं पली, तो सूरज बकरा भी नहीं पड़ी, सूरज हशर भी नहीं पड़ी, यानी कि जो उसके आखिरी रुकू मैं पढ़ती हूँ डेली बेसिस पे, तो वो मैं पढ़ूंगी तो मुझे सुकून मिलेगा। उतनी देर में मसाला होता रहेगा और टमाटर उनसे टेंडर हो जाएंगे। स्वीट डिश मेरी बनी हुई है और हल्की हल्की धूप निकल आई है, जिंदगी के आसार नज़र आने शुरू हो गए पाए। लेकिन वैसे ये कि काफ़ी लोग जो उनसे मैंने देखा था बारिश में नहाने लगे हुए थे, हल्की हल्की बाद में भी हुई थी बारिश, लेकिन मैं कोई हाल नहीं सफाई कर रहा ना। तो किचन में मेरे से थोड़े से बर्तन है लेकिन किचन उनसे ना समेटने वाला है, तो चाय के साथ चीज़ें मैंने हस्बैंड को बोला था सब बाजार से ले आने वाले, जो मैं करती नहीं होती काम वैसे, उनको भी पता है इस चीज़ का आइडिया, लेकिन इसलिए उसको कहा नहीं, वो होममेड चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, नहीं बल्ले वगैरह बस आप में, तो वैसे भी मैं अवॉइड करती हूँ बाहर की चीज़ें। तो चने मेरे एक्चुअली में बॉयल्ड हो गए थे, बाकी काम काफ़ी लंबा था इमली ना होने की वजह से। वैसे इमली का वो पड़ा हुआ था, मैंने बना के रखा हुआ है एक लोबिया के लिए, तो उसमें बस चीनी ऐड करनी थी, कलर ऐड करना था, तो भल्लो की इमली भी चटनी भी बन जानी थी, बस मैंने थोड़ी सुस्ती कर दी सुबह लाइट ना होने की वजह से। और दाल क्योंकि माँ चौन सी है ना, मैंने सब गंदी होगी स्टोर की है, तो लेकिन बिल्कुल साफ सुथरी, एक कंकर नहीं निकला, एक बट्टा नहीं निकला उसको, पंजाबी में ना उसको बट्टा बोलते हैं, वैसे मैं कंकर ही बोलती हूँ, एक पत्थर नहीं निकला उसके अंदर से ना, तो वो मैंने भी बो दी है। तो उसको भी मैश करके ना उसमें मैं डालूँगी नमक, चाट मसाला, थोड़ा सा मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर डाल दें आप, और चाट मसाला हाँ थोड़ी सी रेड चिली, तो जीरा डाल के उसको मैश कर लूँगी। और उसको लिक्विड में तो बिल्कुल नहीं करना, थिक रखना है और उसको फिर बस फ्राई करना है। हाँ कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ फॉर द चेंज, इसमें प्याज डाल देती हूँ, वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, उसका भी बड़ा मज़े का अरोमा आया था, मैंने एक बार पिए थे ट्राई ऐसे। तो थोड़ा चेंज करते जाना चाहिए इस अपनी, क्योंकि ना आप रेसिपीज देखते भी हो ना, तो कभी भी मुकम्मल तो फॉलो होती नहीं है क्योंकि हर घर का अपना टेस्ट है। तो चलें ये मैं शाम पक पढ़ लूँ, पानी का गिलास पीना पहले बनता है मेरा। ये ना डाल के ना टमाटर बड़ी ईजीली इसके छिलके उतर गए हैं ये देखें, और इसको भी मैं अब हो गया बस, मैं अब इसे करके देखती हूँ, बैल बैल हो रही हैं। चिकन जो सा ना वो मैं अच्छी तरह बस भून रही हूँ, नमक उसमें बिल्कुल ठीक है, बस एंड पे इसमें ब्लैक पेपर मैं जो सा ऐड करना। तो वैसे ना अगर आप हरी मिर्च का भी टेस्ट थोड़ा अच्छा आ रहा है, इसको मैं भून रही हूँ और ये भी मसाला हो गया, काफ़ी देर से घंटा डेढ़ तो लगा है इसको भूनने में, और इधर मैंने इसकी भी फिलिंग कर दी है मसाले की भी, और जो इमली का वो और लिक्विड था उसका नींबू का वो भी मैं साथ ही ऐड करती हूँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना रेडी, खाना तो अभी ठहर के खाएंगे और तो चाय पियेंगे। मसाला लगने नहीं पाए इसके, सिर्फ थोड़ा पानी डालते जाना। बैंगन मैंने ढामती हैं, कवर कर दी हैं, बल्कि इसको ना स्टीम चाहिए। मैंने थोड़ा सा पानी मैंने डाला था और चिकन भी ना हो गया हुआ बस। अब मैं सिर्फ पढ़ लूँ, नमाज का टाइम हो गया तो बस ऑलमोस्ट वापस मेरा ये साफ होने वाला, तो बस किचन साफ करने वाला था। मैं आपकी बात करवाती हूँ आपसे, आज मुझे मार्टोन याद आ रहा है, ये सब देख के। सवा ग्यारह हुए, अभी हमने खाना खाया तो हम बाहर आए वॉक के लिए, और बच्चों में निमा भी आई हुई है, मनाल भी आई हुई, मनाल भी आज स्टे करेगी मेरी तरफ, और ये बहुत शरारती है अभी मोहित, ये जाम मुझके पानी में जा रहा है। खाना बहुत मज़े का लगा। चर्सी हांडी कैसी लगी भी आपको, और बड़े बैंगन कैसे लगे? थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आपने मेरी तारीफ की। मैंने इनको कहला के भेजा था कि आप लोगों ने मेरी तारीफें करनी है बहुत ज़्यादा, बहुत मज़े करता। हाँ जी, मैं नाल भी बहुत शौक से खा रही, पीका पीका था। नहीं मैं रामशी रामशी वो पोषाते हैं फोन छुरी। चलो चलो चलो, ले रहे हैं ना, आ जाओ आ जाओ। को अपने नाम की कितनी पहचान हो। चलो नीमू, चलो चलो चलो, मिडल में चलना, साइड पे नहीं चलना, मिडल में चलना। नीमा ये देखिए भी, नीमा ड्राइविंग करने लगी है, अंधेरा बहुत ज्यादा है ना। नीमा नीमा नो नो, मामा आएंगी, मामा करेंगी ड्राइव।